ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। रावलपिंडी में साफर केस अटियाला जेल में समाप्त हुई। सरबरा पीटीआई ने अदालत में गुफ्तगु में कहा, खावर मानिका के जरिए बुशरा बीबी पर जो झूठा इल्जाम लगाया इंतहाई इखलाक से गिरी हुई हरकत है। कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ, बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन निकाह हुआ। मैं आज आपको वाजे कर रहा हूँ, इलेक्शन पीटीआई जीतेगी। हालात देखकर खदशा है कहीं ये इलेक्शन से भाग ही ना जाए। मुझसे किसी ने मुजाकरात नहीं किए, मुझे जिस तरह पकड़ा गया ये भी एक प्लान था। लंदन प्लान नवाज शरीफ को लाने, जेलों में डालने, पीटीआई खत्म करने के लिए था। जेल में कोई परेशानी नहीं, इसे इबादत समझता हूँ। कमर बाजवा अमरीकी सफारतखाने के ऑफिशियल्स को गवाह बनाऊंगा, सरबरा पीटीआई ने कहा। कमर बाजवा ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सब कुछ किया, उसे अदालत बुलाऊंगा। मुल्क की ग्रोथ 6.17 से 0 पर ले आए। लोग क्या पागल हैं? उन्हें नहीं पता कि इन सियासी जमातों ने क्या किया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जान देने को तैयार, सरबरा पीटीआई ने कहा। मर जाऊंगा, कोई डील नहीं करूंगा। कौन को बता दे, उनका कप्तान डटा हुआ है। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था, मुझे गैर आइनी तौर पर पकड़ा गया। 48 घंटे में 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सरबरा पीटीआई ने कहा। यास्मीन राशिद वाज़े तौर पर कह रही थी लोग अंदर ना जाएं, सीसीटीवी देख लें, इनको कौन अंदर लेकर गया है।